और चलिए बढ़ते आगे। नागौर कुचेरा थाना परिसर में देर रात डीजे पार्टी चली है। कांस्टेबल के जन्मदिवस पर डीजे पार्टी का आयोजन किया गया। आम जन के लिए डीजे प्रतिबंधित है, खुलेआम नियमों के किस तरीके से यहां धज्जियां उड़ाई गई ये खबर बताती है। पुलिस की वर्दी में डीजे पर कांस्टेबल जमकर झूम रहे थे। प्रतिबंध के बावजूद थाने में देर रात तक डीजे बजता रहा। नियमों की पालना करवाने वालों ने ही खुद नियमों का मखौल उड़ाया, नियमों की धज्जियां उड़ाई। थाना परिसर में डीजे पार्टी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से डीजे पार्टी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दामोदर जुड़े हैं। दामोदर, देर रात तक ये पार्टी चलती रही है, कांस्टेबल का जन्मदिवस था उसमें डीजे पार्टी की गई, जबकि पता है, नियम पता है कि डीजे पार्टी प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी। कि जिस प्रकार मामला है वो कुचेरा थाना का है, जहां पर एक कांस्टेबल के जन्मदिवस के बाद देर रात तक थाना परिसर के अंदर डीजे पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई कांस्टेबल फिर जो डीजे की धूम पर झूमते हुए नजर आए। वहीं एक कांस्टेबल था जो वर्दी में भी था और वो भी डीजे के पीछे झूमता हुआ नजर आया। इस दौरान देखा जाए तो ये डीजे है जो नागौर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है, पुलिस के द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जब पुलिस ही खुद ही इस नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो ऐसे में आम जन पर किस प्रकार का असर देखने को मिलेगा, जहाँ एक पुलिस थाने में कांस्टेबल के जन्मदिवस पर ही डीजे की पार्टी का आयोजन किया जाता है, कांस्टेबल डीजे के गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा में एक बड़ा सवाल ये पुलिस पर खड़ा होता है कि अगर पुलिस ही नियम बनाकर उनकी धज्जियां उड़ाई जाएगी तो बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि थाना प्रभारी ने क्या कोई एक्शन लिया है इस पर। जिस प्रकार हमने थाना अधिकारी से राजपाल सिंह जी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस डीजे के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कांस्टेबल का जन्मदिवस था वो थाने के में मनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि कुचेरा थाना परिसर के अंदर ही डीजे बज रहा है और कांस्टेबल इसे पार्टी के अंदर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए दामोदर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं थाना अधिकारी, थाना प्रभारी इसमें संज्ञान लेंगे और कार्रवाई जरूर होगी।